नमस्कार किसान भैया, मैं आपका डॉक्टर फार्मर ग्रुप आज एक नई जानकारी लेके आपके बीच में हाजिर हूँ। क्या है कि अभी जून अगस्त का महीना चल रहा है, जून जुलाई का, इसमें जो अनार में राजस्थान के बेल्ट में हमारे भाग लेते हैं उन बेल्ट में भी ट्रायल स्टार्ट होने वाला है, और गुजरात जैसे बेल्ट में अपने कई मरग बार भी लेते हैं, रंबे बार भी लेते हैं, हस्त बार भी लेते हैं, तो इन्हें तीनों अलग अलग होती है। तो बेसिकली अपने क्या राजस्थान में जो अनार है उस पर ही बात करेंगे, जो अपने बाड़मेर और जालौर में जो अनार हो रहा है इस बेल्ट के किसानों के लिए बात करेंगे बेसिकली कि वो कैसे अपना इथराइल कैसे करें और कैसे नहीं करें। तो मेन जो है पौधे जब आपके बारिश जिस टाइम क्या बारिश भी ज़्यादा होती है, बारिश कम हो जाए या आपको लगे बारिश आने वाली है तो बारिश का इंतज़ार करके फिर ही अपने को इथराइल करना चाहिए। या जैसे अभी किसान बारिश हो रही है इथराइल कर रहे तो उसका रिजल्ट नहीं प्रॉपर आ रहा था, या फिर एडवांस में करो आप इथराइल, जैसे जून में कर दिया, जल्दी कर दिया इथराइल, जून जुलाई में कर दिया, तो इससे क्या है कि बारिश कम होने से उस टाइम पत्तियाँ गिर के सारी पौधे अच्छी ग्रोथ ले लेते हैं, उसके बाद जब बारिश होती है तो अपने को दोबारा इथराइल नहीं करना पड़ता। एक तो ये हो गया, एक आप लेट करते हो, जो लेट करते हो तो इसमें यह है कि जब बारिश आके चली जाती है तो उसमें इतना मेन अपने को रेट लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें नार जब लेट हो जाता है पूरा का पूरा नार रेट हो जाते हैं, और उस टाइम जो अपने बेल्ट की मंडियां हैं वो पूरी व्यापारी लोग हैं वो चले जाते हैं, इसकी वजह से अपने को अनार का रेट पूरा नहीं मिल पाता। ठीक है, तो अपने को जहाँ तक है अपने को जून जुलाई में ही इथराइल करना है, जून जुलाई और अगस्त में ही, इस तक ही सीमित रखता है। मेन तो जून एंडिंग और जुलाई के सर स्टार्टिंग में ही अपने को इथराइल करना है, ये तो मेन बात अपने इथराइल की होगी। अब इथराइल क्या करते हैं, कई किसान भाई बायर का लेते हैं, कई कृषि रसायन का लेते हैं, और बहुत सारी कंपनी अलग अलग उनके इथराइल सारे हैं, तो जो अपने बात माने अपने तो बायर का जो इथराइल है वो सबसे बेस्ट है, वो बढ़िया क्वालिटी का इथराइल है, और ऐसे लोकल जो कंपनी है उनके जैसे 200 रुपये 300 रुपये 400 रुपये लीटर से लेके अपने बायर वाली कंपनियों के लिए तो उससे 1900-1700 रुपये 2000-3000 रुपये तक आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या किसान भाई क्या करते हैं कि बल्क में प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो कई प्रोडक्ट जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड MNC ग्रुप है उनके भी लोकल प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं, फिर उनके आके बाग में पूरा नुकसान होता है, तो ये अपने को ये नहीं करना है। एक तो अपने को अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आना, और दूसरा इथराइल के साथ साथ में इसमें अभी कॉमन रहती है, कई किसान क्या करते हैं पहले कटिंग करवाते हैं फिर इथराइल कराते हैं फिर क्या करते हैं उसमें COC छांटते हैं, और कई किसान क्या करते हैं पहले इथराइल करेंगे फिर कटिंग कराएंगे फिर COC छांटेंगे, और कई किसान ऐसे करते हैं कि पहले इथराइल करवाएंगे फिर कटिंग और फिर COC, ऐसे कुछ नहीं करना। फर्स्ट अपने को अपना बढ़िया रिजल्ट लेना हो तो उसके लिए पहले सबसे पहले अपने को क्या करना है कि एक दो उसमें कटिंग करवा दो, कटिंग होने के बाद में पौधे पे कम पत्तियाँ बचेंगी, तुरंत बाद में COC करवा दो, COC करवाने के बाद उसमें करवाना इथराइल। ठीक है, इथराइल करने के बाद अपना अच्छा रिजल्ट आएगा, ये तो है। दूसरा अपने को ये ध्यान रखना है कि कई अपने देखे हैं कि कई कंपनी वाले घूमते रहते हैं, लोकल एडवाइज़र है, वो क्या करते हैं कि इथराइल के साथ में साइप्रिन मेथ्रिन, ठीक है, और फेनोफोस अलग जो बड़े तेज प्रोडक्ट है वो डलवाते हैं, वो नहीं डलवाने हैं, क्योंकि इससे क्या है कि पौधे का जो जिस बेल्ट के लिए ये डलवा रहे हैं वो महाराष्ट्र गुजरात है ओनली वन, क्योंकि वहाँ पे नमी ज़्यादा रहती है, नमी ज़्यादा रहने की वजह से या ठंडा मौसम रहने की वजह से पौधों में जल्दी क्या है कि वो पत्तियाँ गिर नहीं पाती प्रॉपर वे में। तो अपने जो राजस्थान बेल्ट है बाड़मेर जालौर वालौर इसमें अपने को कुछ नहीं करना है इथराइल के साथ में, इथराइल के साथ में ओनली वन DAP जो आ रही है DAP 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डालनी है, और प्लस में इथराइल के डाल के स्प्रे करनी है, या 0.34 NPK है वो डाल के अपने को स्प्रे करना है ताकि उसे पौधा फूल की पत्तियाँ गिर जाए और पौधा स्वस्थ रहे। तो ये तो होगी इथराइल करने की बात। अब क्या करते हैं, क्या है कि कई क्या करते हैं कि इथराइल तुरंत के बाद में कुछ ऐसे प्रोडक्ट डलवाते हैं जिससे कि पत्तियों के प्रमोट हो, ऐसा कुछ नहीं करना। अपने को पौधे को अपने आप उसमें पत्तियाँ आने देनी है, अपने को पौधे को मेन है जो खुराक है उसकी न्यूट्रेंट्स उस पर ध्यान देना है जिससे कि उसकी जड़ें मजबूत हों, वही टाइम होता है उसमें जड़ें मजबूत होगी, जड़ें मजबूत होगी तो आगे जाके वो अपनों को अच्छा फल देगा, अगर जड़ें मजबूत अभी से ही नहीं होगी तो अपने को अच्छा फल नहीं मिलेगा, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम रहता है। उस टाइम अपने को जो ज़मीन में है जो फास्फोरस वाले तत्व है, चाहे NPK ले लो चाहे DAP ले लो, कोई भी फास्फोरस रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा डलवाने हैं। ठीक है, और प्लस में मेटसू जो ये दोनों प्रोडक्ट है ये डलवाने हैं जिससे क्या है कि पौधे की जड़ें अच्छी हों, पौधे में जड़ा ज़्यादा आएगी, जड़ें आने से जो उसमें अपने गोबर की खाद या बेसल डोज बोलोगे उसको जो डाली हुई है वो पूरा का पूरा उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, पूरा का पूरा उसका रिजल्ट अच्छा आएगा उस टाइम,
ठीक है। आने के बाद में पौधे म्यूटेट में पत्तियाँ अच्छी आएगी, नई पत्तियाँ आएगी और फिर पौधे में बढ़वार अच्छी आने के बाद में उसमें फूल भी अच्छे होंगे। लेकिन अपने अगले अपने फास्फोरस अपने अच्छी क्वांटिटी में नहीं डाला है, अच्छी क्वालिटी का नहीं डाला है, तो उसमें क्या है कि एक तो फूल तो आएंगे लेकिन फूल कम आएंगे, फूल का साइज छोटा होगा और फूल बार बार गिरने की समस्या मेन रहेगी, ठीक है। कभी गिर रहे हैं कभी आ रहे हैं, तो ऐसा जो इनबैलेंस है वो देख रहे हैं। फास्फोरस हो गया, बोरोन हो गया और मैग्नीशियम, इन तत्वों को रेगुलर अपने जो बेस्ट डोज में नहीं दिए हैं तो उसकी वजह से अपना नुकसान हो सकता है। तो ये तो किसान भाई खास तौर से ध्यान रखें, ठीक है, इस चीज़ का। और ये तो हो गया पौधे को प्रिपेयर करने का तरीका। अब पौधा पौधा इथ्राइल होने के बाद में प्रिपेयर होगा। एक छोटी सी चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, अपने को क्या करना है, जब कटिंग हो जाए, कटिंग होने के बाद में आप इथ्राइल कर लो, इथ्राइल के जस्ट बाद में COC कॉपर ऑक्सी क्लोराइड या बोडो मिक्सचर करते हो, तो उसमें एंटीबायोटिकल बैक्टीरियल पुड़ियाँ हैं, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, ये ज़रूर मिलानी है। ये मिलाओगे तभी आपकी जो बैक्टीरियल डिजीज़ है उनका कंट्रोल होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है उसमें COC करने का, ठीक है। तो और इसके अलावा कोई और अधिक आपको जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप में हमारी हेल्पलाइन है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमारे चैनल का आप विजिट कर सकते हो। धन्यवाद।